तो वेलकम बैक गाइस। तो यार हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग में से वॉवल्स फाइंड किए थे। इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि हम पे एक स्ट्रिंग है, उसके जितने भी आप अल्फाबेट बना सकते हो परम्यूटेशन टाइप वो करना है। तो इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो यार आपने वॉवल्स निकालना सीख लिया, कैसे निकालते हैं स्ट्रिंग से वॉवल। अब एक काम और आया है कि स्ट्रिंग के अंदर हमको क्या करना है, किसी भी डिजिट जो भी स्ट्रिंग दे रखी है हमको, 3 वर्ड 4 वर्ड 5 वर्ड की, उसके सारे जो भी अल्फाबेट्स हैं उनका ऑर्डर चेंज करके हमको उससे वर्ड्स बनाने, जितने भी पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं हमें वो वर्ड बनाने, चाहे वो एग्जिस्ट करते हों या नॉन एग्जिस्टिंग वर्ड हो, बट हमें वर्ड्स फॉर्म करने हैं। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था एग्जाव्यू के इंटरव्यू, मतलब मेरे से नहीं पूछा गया था, सॉरी फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन एग्जाव्यू के रीसेंट इंटरव्यू में पूछा जा रहा है किसी फ्रेंड से, मैंने उसको बताया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे हम, एक पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे सबसे पहले जाके, और फाइल का नाम दूंगा इंटरव्यू 14, ठीक है, वही 14th वीडियो है वो इंटरव्यू प्लेलिस्ट में। एंड इसके साथ मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, मोस्टली फंक्शन से सारा कोड हो जाएगा, इजी है, मुश्किल से 10 लाइन का कोड होगा, 10 भी नहीं होगा, 10 से कम में कोड हो जाएगा। फंक्शन बना रहा हूँ डेफ कीवर्ड से, हमसे डील करता है, अगर आपको पता हो तो, नहीं पता तो जाके मेरी हिंदी इंग्लिश वाली वीडियोज़ देखें, वहाँ मैंने बता रहा फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ से जाके वीडियो देख के और फिर इस कोड पे आना आप, ठीक है। तो डेफ परम्यूट, एंड परम्यूट में मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मेरे को पहले ब्रैकेट लेना था, स्ट्रिंग और एक वेरिएबल ले रहा हूँ आई, जिसकी वैल्यू कर रहा हूँ मैं 0 से डिक्लेयर, ठीक है, मैंने इनिशियलाइज पहले ही कर दी वैल्यू को। अब ले रहा हूँ इफ आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अगर मेरे आई की वैल्यू स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर, यार ये थोड़ा ना 9 दब रहा है, आई थिंक मैं शिफ्ट वन थोड़ा स्लो हो रहा हूँ, ठीक है, तो ठीक है। और यहाँ पर मुझे यहाँ पे भी एक पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, सॉरी अपना ये कॉलन, ठीक है। तो अब करूँगा मैं क्या, यहाँ पे एक प्रिंट कमांड दूंगा, एंड प्रिंट कमांड में दूंगा मैं इसके बाद डॉट ज्वाइन, अब मैं दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन स्ट्रिंग, ठीक है, ये आपकी कमांड होती है ज्वाइन स्ट्रिंग की। अब एक लेंगे हम फॉर लूप, और फॉर देखो अब मैंने आई वेरिएबल यूज़ कर लिया है, तो फिर नया वेरिएबल तो यूज़ कर रहा हूँ फॉर जे इन रेंज, नया वेरिएबल बनाया मैंने, जे नाम का वेरिएबल बनाया, उसकी रेंज ली आई से लेके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ये मैं थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन सी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा सही आउटपुट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो देखो सही मिलेगा आपको, ठीक है। अब मेरे वर्ड नाम का एक वेरिएबल जिसमें मैं वर्ड डालूंगा, जो भी मेरा वर्ड होगा मेन वर्ड, जिसके अंदर हमको पूरा इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जिसका हमको परम्यूटेशन निकालना है, जिसके सारे आउटकम्स हमको प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, ले रहा हूँ ए ले लेता हूँ, ए फॉर ए इन स्ट्रिंग, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लूंगा कि वर्ड ऑफ आई कॉमा वर्ड ऑफ जे इज इक्वल टू वर्ड ऑफ जे कॉमा वर्ड ऑफ आई, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्वैपिंग कर दिया। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, और नहीं देखी हो तो पहले देखो, हिंदी प्लेलिस्ट में वीडियोस चल चुकी हैं सारी, वो प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट है आप लोगों के लिए, वहाँ से पहले पढ़ लो पाइथन क्या होता है, मैंने समझा रखा है स्वैपिंग कैसे करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा स्वैपिंग का था, ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, तो पूरा स्वैप करने के लिए प्रोसेस होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ मैंने स्वैपिंग कर दी है दोनों वेरिएबल्स की, जो भी अल्फाबेट्स है सारी स्वैपिंग यहाँ हो चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू लाइक अपने उसको फंक्शन को थोड़ा उसमें कॉल करते हैं, परम्यूट वर्ड्स, सॉरी वर्ड है हमारा, और क्या आई को इंक्रीमेंट करो, पहले आई था 0, अब यहाँ हो गया आई प्लस 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, प्रिंट करूँगा अपने स्टेटमेंट को, मैं प्रिंट करूँगा परम्यूट, एंड यहाँ पे मैं जो वर्ड ले रहा हूँ वो वर्ड है कोड, आप जितने डिजिट का वर्ड लोगे आपको उतने पॉसिबल आउटकम मिलेंगे। मैंने यहाँ पे वर्ड लिया कोड, मैं इसको रन करता हूँ, मेरे को आउटपुट कुछ आ चुके हैं, और ये टोटल 24 आउटकम है। अगर आप चेक करो 4 का जो होता है फैक्टोरियल, मतलब 4 का परम्यूटेशन आप निकालोगे तो 24 आपके पास आउटकम्स आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे इसने कहा कि सी ओ डी ई सी ओ ई डी सी डी ओ ई सी डी ई ओ सी ई डी ओ, तो इसने डिजिट्स का इंटरचेंज कर दिया है, तो इस तरह से आपका कोड काट चुका है। आप चाहो तो आप हेलो का निकाल सकते हो, या फिर वर्ल्ड का निकालते हैं, ठीक है। वर्ल्ड के आपको सहेंगे 120, क्योंकि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, तो टोटल आपके पास 120 आउटकम्स आप देख सकते हो, बहुत सारे हो चुके हैं। तो इतना मत ट्राई करो, छोटा ले लो चाहे तो, आप ले लो बाय ले लो, ठीक है, बाय में 2 आएंगे, बी वाई एंड वाई बी, ऐसे आप बना नहीं सकते। और आप देख लो लास्ट में एक नन आ रहा है हर कोड के नीचे, नन का क्या है, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, आप बस इतने ही आउटकम निकाल सकते हो, तो इसके बाद इसने लास्ट में नन प्रिंट करके दे दिया। मैं यहाँ दे देता हूँ बाय
इसमें मैं लिख देता हूँ बी यू वाई, ठीक है। इसका निकालते हैं तो इसमें टोटल सिक्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट में नन, बिकॉज यू कांट फाइंड एनी अदर आउटकम फॉर दिस पॉसिबल केस, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आएगा कैसे आप किसी भी स्ट्रिंग में से परम्यूटेशंस, मतलब एक स्ट्रिंग के मैक्सिमम आउटकम्स निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड इस वीडियो के बाद अब मैं जाऊँगा इंग्लिश प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पे मैं डालूंगा पूरा ऊप्स का कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट के बाद एक आएगा आपका प्रोजेक्ट, एक या दो प्रोजेक्ट आएंगे, एंड इंटरव्यू प्लेलिस्ट में कुछ ट्विस्ट आने वाला है। अब मैं जाऊँगा एलवी एक्सपर्ट कोर्स के, जो है $50 का कोर्स है, $50 मतलब आपके मान लो 4,000 रुपये का कोर्स है, अभी उसके क्वेश्चंस हैं मेरे पास, पूरा क्वेश्चन बैंक है, तो उससे क्वेश्चंस आएंगे इंटरव्यू प्लेलिस्ट के अंदर। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, वीडियोस को देखते रहें, एंड मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू गाइस।